लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आइए आज आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जो न केवल रहस्यमय है बल्कि विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य बना हुआ है। दरअसल बिहार के बक्सर जिले में एक ऐसा मंदिर है जो पूरे देश के लिए ही नहीं वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य है। यहाँ स्थित राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर, यहाँ की मूर्तियाँ आपसे बात करती है। जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की तो उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया। यह मंदिर 400 वर्ष पुराना है। प्रसिद्ध तांत्रिक भवानी मिश्र ने करीब 400 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना की थी। तब से आज तक इस मंदिर में उन्हीं के परिवार के सदस्य पुजारी बनते रहे हैं। तंत्र साधना से ही यहाँ माता की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तांत्रिकों की आस्था इस मंदिर के प्रति अटूट है। कहा जाता है कि यहाँ किसी के नहीं होने पर भी कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर की सबसे अनोखी मान्यता यह है कि निस्तब्ध निशा में यहाँ स्थापित मूर्तियों से बोलने की आवाजें आती हैं। मध्य रात्रि में जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें आवाजें सुनाई पड़ती हैं। इस मंदिर में 10 महाविद्याओं काली, त्रिपुर भैरवी, धुमावती, तारा, छिन्नमस्ता, शोटसी, मातंगड़ी, कमला, उग्रतारा, भुवनेश्वरी की मूर्तियाँ स्थापित है। इसके अलावा यहाँ बंगलामुखी माता, दत्तात्रेय भैरव, बटुक भैरव, अन्नपूर्णा भैरव, काल भैरव व मातंगी भैरव की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ अजीब तरह के आवाजें आती है जो कि किसी मानव की आवाजों की तरह की है। माना जाता है कि संपूर्ण अखंड भारत में जहाँ भी माता के शक्ति पीठ है वे सभी जागृत और सिद्ध शक्ति पीठ है। वैज्ञानिकों की माने तो यह कोई वहम नहीं है। इस मंदिर के परिसर में कुछ शब्द गूंजते रहते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिकों की एक टीम भी गई थी जिन्होंने रिसर्च करने के बाद कहा कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं है, इस कारण यहाँ पर शब्द भ्रमण करते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी मान लिया है कि यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब घटित होता है जिससे कि यहाँ पर आवाज आती है।